यह देश का दुर्भाग्य रहा कि हमारे हजारों वर्ष प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति को नई पीढ़ी से छिपाने का षड्यंत्र रचा गया। किंतु अब देश बदल रहा है। आजादी के अमृतकाल में देश अपने ऐसे गुमनाम नायकों को याद कर रहा है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया। पूर्व सरकारों और इतिहासकारों ने भले ही उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे, किंतु आज देश का युवा जागृत हो गया है और खोज खोज कर अपने गुमनाम नायकों के बारे में जानना चाहता है। आज हम जिस नायक की बात करेंगे वह भी उन्हीं नायकों में से एक है। उस नायक का नाम है लाचित बोरफुकन। मुगल आक्रांताओं से उत्तर पूर्व भारत की रक्षा करने वाले वीर योद्धा और हिंदू अहोम राजवंश के सेनापति लाचित बोरफुकन का जीवन शौर्य, साहस, स्वाभिमान, समर्पण और राष्ट्रभक्ति का पर्याय है। अहोम राजवंश ने असम पर लगभग 600 वर्षों तक राज किया। इस राजवंश का शासन 1218 से 1826 ईस्वी अर्थात अंग्रेजों के शासन काल तक चला। इस राजवंश की स्थापना 1228 ईस्वी में अखंड भारत काल के म्यांमार के चोलुंग सुकप्पा नामक राजा ने की थी। इस राजवंश के लोग हिंदू धर्म के अनुयायी थे और हिंदू धर्म को ही इन्होंने अपना राजधर्म घोषित किया था। मुगल पूरे भारत में इस्लाम की स्थापना करना चाहते थे। उनकी इसी नीति के चलते वे पूर्वोत्तर भारत में भी कब्जा करना चाहते थे। अहोम राजवंश के साथ उनका टकराव उनकी इसी विस्तारवादी नीति के कारण हुआ। मुगलों और अहोम राजवंश के बीच करीब 70 सालों तक रुक रुक कर संघर्ष चलता रहा, लेकिन मुगल इस पूर्वोत्तर में कभी अपनी जड़े जमाने में सफल न हो सके। असम के वीर योद्धा लाचित बोरफुकन के साथ हुए युद्ध के बाद मुगलों का उत्तर पूर्व भारत में साम्राज्य विस्तार का स्वप्न सदैव के लिए टूट गया। प्रसिद्ध इतिहासकार सूर्य कुमार भुयान ने लाचित बोरफुकन की मौलिक रणनीति और वीरता के कारण उन्हें उत्तर पूर्व भारत के शिवाजी की उपाधि दी थी। वास्तव में लाचित बोरफुकन ने उत्तर पूर्व भारत में वही स्वातंत्र ज्वाला जलाई जो मुगल आक्रांताओं के विरुद्ध दक्षिण पश्चिम भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज ने। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह ने, राजपूताना में महाराणा प्रताप और बुंदेलखंड में राजा छत्रसाल ने जलाई थी। इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए पूर्व राज्यपाल श्रीनिवास कुमार सिन्हा ने अपनी पुस्तक मिशन असम में लिखा है, महाराष्ट्र और असम हमारे विशाल और महान देश के दो विपरीत छोर पर हो सकते हैं, लेकिन वे एक इतिहास, एक साझी विरासत और एक भावना से एकजुट होते हैं। मध्ययुगीन काल में उन्होंने दो महान सैन्य नेताओं, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी और असम में लाचित बोरफुकन को जन्म दिया है। भारत में इस वीर योद्धा की स्मृति को नमन करते हुए प्रतिवर्ष 24 नवंबर को लाचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1999 से नेशनल डिफेंस एकेडमी में बेस्ट कैडेट को दिए जाने वाला गोल्ड मेडल लाचित मेडल के नाम से दिया जाता है। वहीं असम में ताई अहोम युवा परिषद द्वारा उल्लेखनीय व्यक्तियों को महावीर लाचित दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार और तलवार प्रदान की जाती है। भारत की पुण्य भूमि पर कण कण में वीरों का तेज समाया हुआ है। मातृभूमि की रक्षा करने वाले महान योद्धा लाचित बोरफुकन को कोटि कोटि नमन है।